नमस्कार छात्रों, मैं सिद्धि जोशी आज भ्रमर गीत सार की सप्रसंग व्याख्या अगले पद की करने के लिए पद संख्या 208 की प्रस्तुत करने के लिए आई हूँ। मैं अब सबसे पहले सर्वप्रथम 208 पद की व्याख्या प्रारंभ करती हूँ। उद्धव क्यों आए ब्रज धावते। हे उद्धव, तुम अपने ज्ञानोपदेश को देने के लिए ब्रज दौड़ते हुए क्यों आए। अर्थात उद्धव के ज्ञानोपदेश के प्रति अपनी उपेक्षा प्रदर्शित करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप ब्रज को दौड़ते हुए किस लिए आए हो। आप तो श्री कृष्ण के सहायक सखा राजपदवी मिली दिन दस कछु कमावते। आप श्री कृष्ण के सहायक हैं, मित्र हैं और आप कुछ दिन यहाँ रह करके और कुछ धन कमा के जाते। जिस प्रकार श्री कृष्ण को राजपदवी मिली है इस तरह आपको भी राजपदवी प्राप्त होती। कहूँ जो धर्म कृपा कर एकानंद सो उस बसी के गावते। कहने का मतलब ये है कि क्या रखा है आप, आप भी कुछ दिन रहकर यहाँ कुछ धन कमाते। क्या रखा है आपके लिए जो छोटे से गांव को दौड़े हुए चले आए। आपने बड़ी कृपा करके हमारे कानों में अपने धर्म का उपदेश दिया है। अच्छा यह रहता कि आप इस धर्म के उपदेश को उधर ही बसकर मथुरा में रहकर ही गाती। गुरु निर्वृत्ति देखि आखिन जे श्रोता सकल अघावते। गुरु निवृत्ति देखि आखिन जे श्रोता सकल अघावते। इत कहु कछु न जानत हरिबिन तुम कथ जुगति बनावते। अथा गोपियाँ कह रही है आपको गुरु समझकर आपकी पूजा की जाती और जिनको आप धर्मोपदेश देते वे सब श्रोता आपको आँखों से देख कर तृप्त हो जाते। आप वहाँ ब्रज में निर्गुण ब्रह्म के संबंध में जो नाना भांति की साधना करने की युक्तियाँ बतला रहे हो वे सब व्यर्थ हैं। क्यों व्यर्थ हैं? क्योंकि यहाँ तो इत कहु कछु न जानत हरिबिन, यहाँ तो श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी किसी को नहीं जानता है। तुम कत जुगति बनावते हो, तुम क्यों इस अपने निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो। अर्थात तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के बारे में जो तुम कुछ उपदेश दे रहे हो वे व्यर्थ ही है, क्यों यहाँ श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी का लगाव अन्य किसी भी ईश्वर के प्रति नहीं है। जो कछु कहते सघन सो तुम सो अनुभव के सुख भावते। जो बातें आप इस समय हम सब से कह रहे हो यदि आप मथुरा में ही रहते हो तो उन योग की बातों का स्वयं अनुभव करते और आपको पार्श्व प्राप्त होता। हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि आप श्री कृष्ण को बिना देखे अपने हृदय से और किसी को निर्गुण ब्रह्म आदि को कैसे चाह लेते हो। सूरदास कहते हैं कि सूरदास प्रभु दर्शन बिनु वह बार बार पछताते। सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि यदि आप मथुरा में रहते हो तो आपको श्री कृष्ण का सामीप्य प्राप्त होता और धीरे धीरे उनसे प्रेम हो जाता। फिर आपकी ऐसी ही स्थिति हो जाती कि श्री कृष्ण के दर्शनों के बिना बार बार पछताते रहते। भाव ये है कि अभी आपको श्री कृष्ण के प्रेम की अनुभूति नहीं हुई है। यदि प्रेम की अनुभूति हो जाती तो फिर आप श्री कृष्ण के दर्शनों के बिना नहीं रह सकते थे। हमारी इस तरह की स्थिति है कि हम उनके दर्शनों के बिना नहीं रह सकती। ये इससे ये ध्वनि निकलती है कि गोपियाँ यही कह रही है कि सूरदास कह रहे हैं कि प्रभु के दर्शन के बिना वह बार बार पछतावते।
उनको बार बार पछतावा होता है कि श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और हमें दर्शन नहीं दे पा रहे हैं, इस बात का उनको बड़ा पछतावा है। नेक्स्ट पद है 209, पद संख्या, उदो यह प्रकृति पर आई तेरे, जो को कोटि करे कैसे हो फिरत नहीं मन फिरे। यहाँ पर गोपियाँ हैं, उद्धव ने अनेक बार गोपियों को निर्गुण रंग का उपदेश दिया है और गोपियों ने उतनी ही बार उसका निराकरण किया है। उनके पुनः उपदेश देने पर गोपियों ने पुनः उसका निराकरण कर दिया है। इस प्रकार गोपियाँ उन पर खींचती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो ये आपने ये दृढ़ता कर रखी है कि आपका मत किसी के फेरने से फिरता ही नहीं है, कि आप कितना भी उपाय कर लें, कितने भी यत्न कर लें, चाहे कोई करोड़ों उपाय कर लें, फिर भी आप हमारे मन को अपने मत के अनुसार फेर नहीं सकते, था हमारे मन में कोई तरह का परिवर्तन नहीं कर सकते। जा दिन ते जसुदा गृह आए मोहन जादव राई, जिस दिन से यादव राज श्री कृष्ण हमारे यहाँ यशोदा के घर आए थे, उसी दिन से उनके दर्शन और स्पर्श के अलावा हमें और कुछ भी नहीं सुहाता है। ता दिन ते हरि दरस परस बिनु और न कछु सुहाई, जिस दिन से यशोदा के घर आए मोहन जादव राई, यादव राज श्री कृष्ण हैं, जिस दिन से यशोदा के घर आए हैं, ता दिन ते जिस उस दिन से ही हरि दरस परस बिनु, हरि श्री कृष्ण के दर्शनों के बिना, उनके स्पर्श के बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी नहीं सुहाता है। जिस समय वे खेलते थे हसत कृपा अवलोकन जुग क्षण भरी तब जात, और हमें कृपा करके हमारी ओर देखते थे तो हमें ऐसा लगता था कि युगों का समय ऐसे बीत जाता है जैसे अभी एक ही क्षण हुआ हो। खेलते हुए हंसते हुए हमारी ओर कृपा करके देखते हुए हमें ऐसा लगता था कि युगों का समय है वो एक क्षण में ही पूरा हो गया है। उनको देख के परम तृप्ति सब हित तन होती, हमारे शरीर को परम तृप्ति होती है उनको देख लेने से, लोचन हृदय अघात, और साथ में हमारी आँखें हमारे नेत्र भी सुख पाते हैं, हमारा हृदय भी तृप्त हो जाता है, अर्थात हम पूर्णतः संतुष्ट हो जाते हैं। उनकी प्रत्येक अवस्था में जागत सोवत स्वप्न साम घन सुंदर तन अति भावे, जागते हुए सोते हुए स्वप्न में श्याम बादल के सुंदर शरीर को देखकर हमारे मन को बड़ा ही अच्छा लगता है, अर्थात हमारे मन को भाता है कौन सा स्वरूप श्री कृष्ण का, श्याम रंग के बादल की तरह का जो सुंदर शरीर है वो सुंदर शरीर हमें बड़ा ही अच्छा लगता है। सूरदास कहते हैं अब कमल नयन बिनु बातन ही गहरावे, सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, जिस कृष्ण से हमारा इतना अधिक लगाव रहा है हम उन्हीं की बातें करना चाहती हैं, पर आप ऐसे हैं कि श्री कृष्ण की बातों के बिना हमें और दूसरी बातों में बहलाना चाहते हैं। तात्पर्य ये है कि आप जो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं उसमें श्री कृष्ण की चर्चा नहीं है और हम श्री कृष्ण की चर्चा ही सुनना चाहती हैं, इसी से तो अन्यत्र गोपियों ने कहा है हमको हरि की कथा सुनाओ, अपनी ज्ञान कथा को उदो मथुरा ही ले जावे। हे उदो, आप हमें हरि की ही कथा सुनाएं और अपनी जो निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान की उपदेश है उस उपदेश को आप मथुरा ले जाके आप स्वयं ही वहाँ पे अनुभव करें और सुख को प्राप्त करें। हे उदो मन ना ही दस बीस, हे उद्धव हमारे पास तो एक ही मन है और वह मन हमारा श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए थे तो अपने साथ ले गए थे, उनके साथ ही हमारा मन भी चला गया था, अर्थात हमारा मन है वो श्री कृष्ण के ही हाथों में है। एक हो तो सो गयो हरि के संग, एक मन था वो तो श्री कृष्ण साथ में ले गए हैं, को अराधे तु बीस, अब तुम ही बताओ
हम किस मन से तुम्हारे ईश्वर की आराधना करें, किस मन से तुम्हारे ईश्वर की आराधना करें। भई अति शिथिल सब राघव, श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी शरीर है, सारी इंद्रियां हैं, वो शिथिल हो गई है। बिनु जथा देह बिनसीस, और हमारा शरीर ऐसे हो गया है जैसे बिना सिर का हो, अर्थात सिर कटा हुआ हो। श्वास अटकी रहे आशा लगी, और हमारी श्वास आ रही है जा रही है, हमारी श्वास अटकी हुई है, वो सिर्फ इस आशा में लगी हुई है कि कब हमें श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। अर्थात श्री कृष्ण के दर्शनों की आशा में हमारी ये सांसें हैं, चाहे करोड़ों बरस हो जाए तब भी चलती रही। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के, हे उद्धव तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो और सकल योग के ईश्वर हो। सूरदास ऋषि की बतियाँ पूर्वो मन जगदीश। सूरदास जी कहते हैं गोपियाँ उद्धव से बार बार निवेदन करती हैं कि हे उद्धव, रसिक श्री कृष्ण की बातें हैं, उनसे हमारा मन भर दीजिए। हम श्री कृष्ण की ही चर्चा करना चाहते हैं और उनकी ही बातें सुनना चाहते हैं। अपनी बात को युक्तिपूर्ण रीति से कहकर अपने पक्ष का समर्थन कराने की चतुराई प्रशंसनीय है। मन की आराधना पर भारतीय दर्शन में अतीव बल दिया गया है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधे मोक्ष। Thank you.